कर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो मोनोपोली वाला बिजनेस IRCTC के बारे में, उसकी प्राइस चल रही है लगभग 9.25 के आसपास। तो आपको पता रहेगा IRCTC ने लगभग अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे रिटर्न दिए, लगभग 2.5 साल में रिटर्न दिए 461%। लेकिन जिन्होंने भी टॉप पे बाई किया है वो अभी तक वो माइनस में दिख रहे हैं, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर रहता है हमेशा जो भागते हुए शेयर को बाई करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट नॉर्मल रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कोई बाई नहीं करेगा। जैसे ही जम दिखाएगा वहाँ पर जाके बाई करेगा, तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। देखिए, कोई भी शेयर मार्केट में न्यूज़ आती है वो लॉन्ग टर्म के बेस पे अच्छी रहती है। कोई भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में उछाल आ सकती है, वापस से गिरावट हो सकती है, लेकिन जो न्यूज़ है बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलो एग्जैक्टली न्यूज़ को देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ सामने आ रही है वो सूत्रों के द्वारा सामने आ रही, जो अपने को पता है जो 1 फरवरी 2022 में अपना बजट डिक्लेयर होने वाला है, इंडिया का बजट वहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो है रेलवे के लिए बहुत ही बड़ा पैकेज अनाउंस किया जा सकता है, तो उस रिलेटेड वो न्यूज़ है, नेशनल रेल प्लान के लिए न्यूज़ है। तो चलिए एग्जैक्टली देख लेते कौन से ऐसे पॉइंट कंसिडर किए जा सकते हैं जो IRCTC और बाकी जो भी IRFC RVNL जो स्टॉक है उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। जो बजट में 2022 में जो बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया जा सकता है IRCTC और बाकी जो भी रेलवे के स्टॉक है उनके लिए, जो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा जो उनको पैकेज कितना मिलेगा। देखिए, अभी फॉर द एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख करोड़ का पैकेज है, फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या हो सकता है उसमें प्लस 15% की बढ़ोतरी दी जा सकती है पैकेज में। तो मतलब सोच सकते हैं फॉर द एग्जांपल अगर 1 लाख है तो 1,15,000 करोड़ पैकेज अनाउंस किया जा सकता है IRCTC के लिए। तो बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है, आगे जाके IRCTC के स्टॉक को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है ये न्यूज़ का। ये तो हो गया पहला न्यूज़, तो चले देख लेते दूसरा क्या हो सकता है। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो भी कंसिडर किया जा सकता है कि लगभग 10 नए ट्रेन छोड़े जा सकते हैं, मतलब नए ट्रेन स्टार्ट हो सकते हैं 10। देखिए, ये भी पॉइंट IRCTC के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर 10 नए ट्रेन वापस से चालू हो गए तो उसका टिकट बुकिंग, कैटरिंग का बिजनेस, बहुत ही बिजनेस को बढ़ोतरी मिलेगी और आगे जाके IRCTC के क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 महीने की रिटर्न सिर्फ 10% है, 6 महीने की रिटर्न लगभग 83% है, यहाँ पर अपने लेके रहेंगे 2.5 साल की रिटर्न 461% है। देखिए, कोई भी आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अमाउंट लगाने, कोई भी लार्ज कैप हो या फिर पेनी स्टॉक हो, ऐसे एक साथ फटक से कोई भी अमाउंट नहीं डालना है। जिसने भी यहाँ पे डाला था, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 1200 रुपये के आसपास स्टॉक गया था 52 वीक हाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ से गिरने के बाद लगभग 30-40% से क्रैश हुआ है। मतलब सोच सकते हैं जिसने भी वहाँ पे 1 लाख डाला था लगभग 40,000 का लॉस हुआ रहेगा उसको। मतलब कभी भी आपको धीरे धीरे करके अमाउंट इन्वेस्ट करना है, एक साथ पूरा अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर है, अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमारे पास कुछ अमाउंट चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठने का स्टॉक मार्केट में, कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालने का, मार्केट अप हो या फिर डाउन हो, कभी भी खाली नहीं बैठना है, थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करना है। ये तो था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।